आज भी 90% ऑफ द ओशन का इट इज अनएक्सप्लोर्ड ब्रो भाई। तो तू क्या डोरा था एक्सप्लोरर है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल के लिए मेरे दोस्त आए हुए हैं। ये जो छुप रहा है इसका नाम है चावला, और ये जो ब्लैक ड्रेस में आपको दिख रहा है इसका नाम है अक्षय। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि चावड़ा जो है ये अभी नहाया नहीं है, इसलिए मुंह नहीं दिखा रहा। और ये भाई अभी नहाने के लिए ऐसा बोल रहा था सुबह से मुझे, लेकिन अभी ये भी नहीं नहाने वाला। मैंने तो जा रहा हूँ नहाने। मैंने तो कब का नहा ली। तू जा, तू नहाया तो ये नहाया है सही में। लाल के लिए हम लोग रेडी है कैंप में जाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए। और अभी मेरे दोस्त लोग पीछे आ रहे हैं, तो मैं फिलहाल अपना जो सारा सामान है वो गाड़ी में रख देता हूँ। पेट्रोल भरा चुके हैं और क्या तुम मेरे देख क्यों रहे था? एक्चुअल में क्या था ना गाइस, कि इसको हमेशा से क्यूरियस था ये कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है किसी भी ब्लॉक के। तो आज ये देख रहा है इसलिए कंफ्यूज या हो जा रहा है। जो कैंप सेंट्रश है ये सिलवासा से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे पालघर में ये सिचुएटेड है। तो अभी हमें जाने में ऑलमोस्ट 2 घंटे जैसा लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो। नवसारी से लेके पालघर का एरिया है, यहाँ पे चीकू का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक बार खा के देते हैं। नाइस। वो गरीब इंसान को भी दे देना। नहीं खा रहा ना वो। चीकू खा रहा पैकेट के पीछे रख दिया मैंने। गाइस सच में ज्यादा अच्छे है, अच्छे चीकू है। जूसी क्या होता है? जूसी है, जूसेस में हाँ है। चावड़ा एक तो जूसी है क्या? मैंगो थोड़ी ना भाई। दिखाना अब बता क्या। ये है हमारा फास्टैग, और हम जैसे लोग ऐसे लगाते नहीं है, सिर्फ गाड़ी में रखते हैं। ले अभी तो ऐसे चिपक के खड़ा रहे, चिपक जा। काट लो भैया। चलो तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई अक्षय कैसी लगी ये जगह तुझे? अरे बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सारे पेड़ है यार, है ना, सारे कोकोनट ट्रीज है। चावड़ा भाई कैसी जगह लगी? अच्छी है। और ये सारे कैंप्स है यहाँ पे। गोपाल भाई हो? पिछली बार आया था याद है? सबको सर पहचान रहा है, आप लोग नहीं बोलते है ना। तो कुछ नहीं बोलता। अरे यार याद रखा ना मैंने यार, गोपाल भाई हो आप। क्या बोल रहे हैं? दो तो लग ही रहे, तू भी लगता है भाई ऐसे नहीं। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग इस कैंप सेंट्रिश में आ चुके हैं, और हम लोगों ने वहाँ पे पीछे हमारे कुछ कैंप्स है, वो जो आपको दिख रहा होगा वो कैंपिंग साइट है। तो हमने हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया है, और अभी के लिए मैं और मेरा दोस्त, मतलब दोनों दोस्त बस चिल कर रहे हैं। तो भाई कैसा लगा तुझे ये कैंप? एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे 12,000 लश ग्रीन कोकोनट, 12,000 नहीं 1200 लश ग्रीन कोकोनट ट्रीज है। बट भाई तू देख रहा है ऊपर, वो ना कोकोनट सीधा अगर आए ना तो सीधा अपने सर पे गिरे, इंस्टेंट डेथ। ये वाला कोकोनट
भाई मेरे तो चेस्ट ऊपर है। नहीं तेरे ऊपर नहीं, ये जहाँ पे बंदा हुआ है ना भाई, देख मेरे जस्ट ऊपर देखे कोकोनट है। गाइस आपको भी दिख रहा होगा ये जो कोकोनट है सीधा अगर आए तेरे ऊपर कहाँ है। सो द प्लेस इज वेरी गुड एंड बस थोड़ा शांति से चिल विल करेंगे और थोड़ा सनसेट देखने के लिए थोड़ी देर बाद हम लोग चल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बीच साइड में, बीच इस कैंप से सीधा आगे दिखता है। अभी फ़िलहाल सनसेट का टाइम है तो सनसेट होने वाला है। सारे के सारे जो कैंप्स हैं ऑलमोस्ट कुछ 40-50 कैंप्स हैं ऐसे लगा के रहते हैं। फ़िलहाल जो ओनर है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह करते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे वॉलीबॉल का एरिया है और वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट का जो भी सामान है उनसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। फिर अक्षय और जो चावड़ा है वो लोग वहाँ पे है कुछ, तो मैं भी बस उन्हीं की साइड जा रहा हूँ सनसेट देखने के लिए। पिछली बार भी मैं आया था, पूरा नॉस्टैल्जिया मेरे को फील हो रहा है, लेकिन पिछली बार जो था वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम तो बात ही कुछ और थी। मेरी बात सुन बहुत दूर है मेरी बात सुन, अभी वापस चलते हैं। गाइस देखो ये मैं आपको बताता फिलहाल के लिए हम यहाँ हैं ठीक है, और देखो समुंदर कितना दूर है, वो उसकी जो शोर लाइन है बहुत ज़्यादा दूर है, और ये भाई को वहाँ तक जाना है। वहाँ तक जाएगा ना तब तक अंधेरा हो जाएगा। कितनी जनता गई है ना भाई, अपन भी जानते हैं। सही में यार अक्षय, एक तो बच्चों को ना बीच पे लाना ही चाहिए। बग जो है सनसेट हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैंप में जाके थोड़ा रिलैक्स माइंड करूँ। चलो तो मैं अभी थोड़ा कैंप में जाता हूँ और वहाँ पे जाके चिल करता हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह जला दिए है और बहुत ब्यूटीफुल माहौल हो गया है। लाइव म्यूजिक जो चलने वाला है उसकी तैयारी हो रही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब अपना अपना चिल कर रहे हैं। हम भी, मैं और चावड़ा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले मैं और गोपाल भाई इनका जो JBL है वो स्टार्ट करें। क्या गोपाल भाई हो रहा है? लाइट आ रही है? गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल 6:18 हो रही है और यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जगह जगह से पानी आ रहा है। क्या ही हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश आ रही है, पूरे टेंट में पानी आ चुका है, क्राइसिस हो चुका है। और इधर इलेक्ट्रिसिटी का पावर लाइन, हे भगवान क्या हो गया, हे हरि राम श्री कृष्ण परमानंद, तो मैं गमछा भी खुल गया। अभी ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते, कैसे कैसे निकला। ये हमारे आप सब देख सकते हो, जितना भी था सब पानी पानी हो चुका है। अभी हम लोग बीच में बैठे हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोगों को निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखो शॉर्ट सर्किट होने के थोड़े ही चांसेस, अब चांसेस क्या हो ही जाता अगर बंद ना करते तो वी शुड लीव गाइस। चले मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है कुछ 7:00, 6:58 हो रही है और सुबह सुबह उठते ही, एक तो रात को हम लोग लेट सोए थे और सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे तो बारिश वाला माहौल था, मतलब बहुत हवाएं वगैरह चल रही थी। ऊपर से हमारे टेंट में ना बहुत पानी वानी आ चुका था तो हम तीनों लोग एक्चुअल में भीग चुके थे। ये जो टेंट से अभी सारे गीले पड़े इसलिए सब लोग बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकल के यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। एंड बाय द वे ये एरिया था रात को जहाँ बारबेक्यू वगैरह हो रहा था, यही एक्चुअल में हमारा टेंट था। देखो ये कुछ हालत हो रखी है हमारे टेंट की, और यहाँ पे फैन वैन था लेकिन ये पूरा गीला है,
अगर आप इसको टच करोगे तो ये पूरा गीला है। और फिर जाके हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी में जाके थोड़ी रात की सांस ली और वहीं मतलब घंटा भर गुजारी। अभी चूँकि सुबह हो चुकी है तो अभी थोड़ी देर में निकलने की तैयारी करेंगे और घर जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का कोई भरोसा नहीं। अब मौसम देख सकते हो मेरे साथ, पूरा ख़तरनाक मौसम हो रहा है। तो बस फिलहाल प्लान तो यही है कि हम लोग भी अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। रही बात समुंदर की, तो समुंदर फुल उफान पे है। सब फ्रेशन अप वगैरह हो गया है, यहाँ का ब्रेकफास्ट वगैरह बनते बनते तो 9 बज जाएगी, लेकिन हम वो चीज़ का वेट नहीं करेंगे और अभी जस्ट निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी सब जगह पे मैं जाता रहता हूँ, फिर ऐसे किसी ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चेस भाई, चेस। अच्छी चाय।